उनका मंगता, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज। मंगता उना दो वे बस, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनम रगड़ कर एड़ी। मंगता होना दो, सानू कदी भी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई जेल च रखे या घर बैठ दे या गली जांदे सानू कोई गोली मार दे, हाँ जी कदी भी परेशानी नहीं हुई। मैंने कहने लगे जी अब आपकी सिक्योरिटी के बड़े मसाइल पैदा हो रहे, तो हम चाहते हैं कि आपको सिक्योरिटी दी जाए। मैं कहा जी मैं नहीं चाहता कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मैं नहीं चाहता। कह लगे आपके बड़े लोग दुश्मन हैं, तो मैं आखिर जिन्हा का असं काम कर रहे हो वेख रहे। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैह रहमत सन, तो आप रोजाना हजरत साईं काम वाले दरबार जाते सन असर तो बाद। उत्ते एक बद अकीदा आदमी सी, उन्हें कहा मुफ्ती अहमद यार खान इत रोज गुजरता, उन्हें बड़ा सारा कुत्ता लियांदा। तो उन्हें कहा जब मुफ्ती साहब एक दिन गुजरे ने उन्हें गेट खोल दिता, कुत्ता आया करीब आया तो चौं चौं करने वापस नस पिया। हाँ जी चौं चौं करने वापस नसया। तो मुफ्ती साहब ना जो तालिब इलम से उन्हें कहा हजूर इन्हें तो अच्छ सू चीर फाड़ खाना सी, ए की होया? फरमाया जिन्हों का असं काम कर रहे हैं असं को लुगे फिरते पे। असि जिन्हों का काम कर रहे हैं क्यों जी, मरना तो इंज ही है ना, जाते जाते गली को गोली मार दे, रोड से मार दे तो कोई मसला बन जाना, कुछ भी नहीं होना, बड़े मिटे नामी हो गए निशान कहते, असा भी ऐलान हो जाना मोली खादे मर गया गल खत्म हो गई जी, तो बस गल खत्म हो जाए। इतनी गल होनी तुम जनाज जनाजा पढ़ के लो जी, और अगे कम अज कम इतना तो हो ना यार, बंदा काम करके जाए तो हकीकतन जाके कवे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल की बात है। इतना तो होवे ना हकीकतन, एवं रस्मन थोड़ी बात है, कम अज कम इतने हकीकतन जो फरिश्ते पूछन, उन्हें कहा ना 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 मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल की बात है। क्यों जी? इस वास्ते हुजूर दी इज्जत आबरू ते खड़े रहना है। बिल्कुल असी तो अड़ना दो नंबरी नहीं कर रहे। हाँ जी यार जी हुजूर दी इज्जत होते असं दो नंबरी कर रहे, वो खुदा दा खौफ करो। मेरे बारे कहते सन 21 करोड़ रुपए ले लिया, 25 नवंबर आने वाला है, साल तो गुजर गया कोई चीज़ तो लिया ना, कोई अखबार ही तराशा, कोई वीडियो, कोई आडियो, कोई कोई मुलाकात, कोई तस्वीर तो लिया ना, कम अज कम तो झल्यो जे एक साल तो बाद एक रुपया नहीं साबित कर सके। तुम साढ़े बारे इतनी बदगुबानियां रखते हो कि जी बोली साहब 21 करोड़ रुपया लग गया, 21 करोड़ तो साढ़े पीरे जुतियां पाते हैं पीर साहब सारे। मैं तुम साड़ी कीमत 21 करोड़ समझी हुई, साढ़े बारे यू जल करते हो तुम बैठ के आपस में जी मोली साहब विक है जी, विके होंगे तो 12,000 शैल खाने सन, विके होंगे तो 8 लाशा चाणिया सन, जे विके होंगे तो असं फिर दोबारा नहीं गए, गए कि नहीं? हालैंड का सूर कहता ओ मैं इतने ऐलान किया, मैं जिदा जिदा रिश्तेदार आता हालैंड जाके सूर नू मार दो, ओ सूर कहता मौलवी फतवा दिता मैं तां पिछे हटिया। हाँ जी बैठो भाई बैठ बैठ जाओ बिस्मिल्ला, मैं गल हुण मुकाण लगा गल खत्म कर लगा। लिखिया पढ़िया सब भुला रही, बस ओ केड़ा इलम है जेड़ा हुजूर तो दूर कर दे, ओ केड़ा इलम है यार जे बंदा अंगूठे चुमन लगे तो दलील पूछे। हाँ जी ये भी कोई गल है जी, मौलाना साहब कितने लिखे अंगूठे चुमना? मैं आखा झल्या तेन पता ही कोई नहीं, हजरत उम्मे अमन उसामा बिन जैद की मां हजूर का पेशाब मुबारक राती पी गई, हजूर प्याले च पेशाब मुबारक फरमाया, सवेरे उठ के साहबा पूछा माई जी और तुहानू समझ नहीं लगी तुसी हजूर का पेशाब मुबारक पी गई हो? ते माई उन्हें जवाब की दिता, फरमाया शरीब तो माफिया वला अशअरु अन्नहु बौलुन लितीब रायहतिहि, फरमाया क्या पूछते हो जब मैंने प्याला मुंह लगाया ना उसके जायके का जवाब भी नहीं था, उसकी खुशबू का जवाब भी नहीं था।